नमस्कार दोस्तों, आरके इलेक्ट्रॉनिक झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारे पास दो ड्राइवर यूनिट रखा हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि दोनों अहुजा कंपनी की है। तो एक यूनिट जो है दोस्तों, मैंने इसे खोल के रखा हुआ है, ठीक है। दूसरा दोस्तों, ये जो है सो दोनों मेरे पास रिपेयर होने के लिए आई है। लेकिन आज जो हम जानेंगे, इससे खास जुड़ी चीज़, ऐसी चीज़ जानेंगे जो दोस्तों जो कि बहुत ही कम लोगों को पता है, और ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और होता क्या है कि आप दोस्तों नया ड्राइवर यूनिट ख़रीदते हैं मार्केट से, तो जब आप ख़रीदते हैं तो उसकी आवाज़ जो होती है वो बहुत अच्छे तरीके से मिलती है आपको। बिल्कुल उसकी जो लॉन्ग थ्रो होती है, फायरिंग जो होती है, बिल्कुल मिड जो होती है, बिल्कुल सही तरीके से आपको आवाज़ मिलती है। लेकिन जैसे ही आप एक दो प्रोग्राम, चार प्रोग्राम में उसकी जो लाइफ है बिल्कुल सही भी रहती है, डायफ्राम जल्दी ख़राब भी नहीं होती है। लेकिन अगर किसी कारणवश आपकी यूनिट ख़राब हो जाए, अगर दोस्तों आप लॉन्ग में अगर आप 8-10 हॉर्न अगर आप बजा रहे हैं, और उस कंडीशन में दोस्तों आपके साथ हमेशा तो आप पूरी की पूरी आप सभी यूनिट जो है आप नया नहीं लगाएंगे, वहाँ पे कुछ आप पुराने भी लगाएंगे, कुछ नए भी लगाएंगे, और उस कंडीशन में आपका जो आवाज़ है दोस्तों, वो आपका आवाज़ बिल्कुल आवाज़ की क्वालिटी जो है बिल्कुल ही नहीं मिलेगी और नहीं मिलती है। तो फिर आपके मन में ये सवाल होता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी आवाज़ फट रही है, या फिर पूरी जो दूर जानी चाहिए वो दूर भी नहीं जा रही है। तो इसी चीज़ के बारे में आज हम जानेंगे कि आखिर हमारे बीच में हमसे कहाँ पे गलती होती है, किस जगह पे हमने गलती किया है, चाहे वो नई यूनिट हो, पुरानी हो, आखिर कहाँ पर गलती है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को जो है सो पूरा कम्प्लीट वॉच कर दीजिएगा, ताकि आज के बाद अगर इस वीडियो को अगर आप कंटिन्यू देख लेते हैं, और जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ अगर ये चीज़ आप जान लेते हैं, तो भविष्य में दोस्तों आपकी यूनिट जो कभी जल्दी ख़राब भी नहीं होगी, और इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है, इसकी जो आवाज़ की क्वालिटी है, ये दोस्तों बिल्कुल आपको बरकरार मिलेगी, कभी भी आपको आवाज़ की शिकायत नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, देर ना करते हुए मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल में पहली बार हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि दोस्तों हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और दोस्तों, मैं ऐसे ही डीजे से रिलेटेड कंटेंट आप लोगों के बीच में लाता रहूँगा, रिपेयर एंड टिप्स दोनों चीज़ मैं बताऊँगा। तो चलिए, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, और अब इस टॉपिक के ऊपर अब हम चलते हैं कि हमें कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी है, कौन कौन सी चीज़ में हमें ध्यान रखनी है, क्या गलती हमें करते हैं और उसको सुधारना कैसे है, तो सभी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो सबसे पहला दोस्तों, ये है हमारे पास, दोनों हमारे पास अहुजा कंपनी की ओरिजिनल ड्राइवर यूनिट है, ठीक है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं, ये धूप में रखा हुआ इस तरीके से, ये देख सकते हैं धूप में इस तरीके से इसका जो कलर है ये उड़ चुका है। तो इसमें जो है सो बिल्कुल ये इसी तरीके से कस्टमर क्या किया है इसमें कि दोस्तों किसी को दिया था ये बजाने के लिए, तो उसने इसमें कलाकारी करके लाया हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पे, ये भी दोस्तों हमारा अहुजा कंपनी की ओरिजिनल डायफ्राम है, ठीक है। कस्टमर खुद से इसे लगा रहा था लेकिन ये उससे लग नहीं पाया है, और यूनिट भी ओरिजिनल ही है। और इसकी जो दोस्तों आप मैग्नेट की क्वालिटी आप देखेंगे तो ये दोस्तों कॉपी है, ठीक है। ये दोस्तों ओरिजिनल अहुजा कंपनी की मैग्नेट नहीं है, आप कोई भी एंगल से देखेंगे तो ये अहुजा की मैग्नेट आपको नहीं लगेगी। और तो किसी बंदे ने इसे दोस्तों चेंज कर दिया है, जबकि अहुजा कंपनी ये मैग्नेट नहीं यूज़ करती है, और किसी बंदे ने इसे चेंज कर दिया। तो अब दोस्तों इसमें दिक्कत क्या हो रही है कि डायफ्राम तो इसमें सेट हो जा रही है, लेकिन इसकी जो फ्रेम है दोस्तों, मैं दिखा देता हूँ आपको, इसकी जो ये फ्रेम है, ये फ्रेम आप देख रहे हैं, ये फ्रेम में मैग्नेट को यहाँ पर शिफ्ट हो जानी चाहिए। चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पे जो मैग्नेट है यहाँ पे इसे शिफ्ट हो जानी चाहिए। तो यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये पूरी तरीके से यहाँ पे घुस जानी चाहिए, लेकिन ये सेट नहीं हो रही है। तो अब इसे करना क्या, जब नहीं सेट हुआ तो मेरे पास इसे लेकर के आया हुआ, तो दोस्तों अब मुझे जो है सो इसी मैग्नेट को शिफ्ट करना है इसमें, क्योंकि अब ये मैग्नेट जहाँ पर बदली हुआ है वहाँ से तो ये वापस आ नहीं सकता है, और नहीं ये ओपन जल्दी से मार्केट में मिलती है। तो आपको करना क्या होगा, इसके लिए यहाँ पे आपको ग्राइंडिंग कर देनी होगी, ठीक है। अगर आप इसे ग्राइंडिंग हल्की हल्की कर देंगे तो इसमें सेट हो जाएगी, तो ठीक है, यहाँ इसे हम बाद में करेंगे। लेकिन दूसरा, मैं इसकी जो प्रॉब्लम है ये दोस्तों, अभी ये बिल्कुल बंद है, तो मैं आपको सबसे पहले चेक करके दिखाता हूँ, उसके बाद इसकी मेन टॉपिक पर ही चलेंगे। तो ये मैं एक 9 वाट की वोल्ट की
बैटरी लिया हुआ हूँ जो कि बिल्कुल नई है, और मैंने इसमें सोल्डिंग करके कनेक्शन निकाला हुआ है। तो यहाँ से आप इसे चेक करेंगे तो इसमें टक की आवाज़ आनी चाहिए, तो कुछ भी आ नहीं रही है। उसके बाद में फिर से आपस में इसे शॉर्ट कर देंगे लेकिन ये कुछ भी नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 40 वाट में बिल्कुल सेट है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए इसे खोल लेंगे हम, और कहाँ पे गलती होता है दोस्तों मैं इसी यूनिट में बताऊँगा, और बस इसे खोलूँगा और इसमें भी कहाँ पर गलती हुआ है या नहीं हुआ है सारी चीज़ें हम आपको क्लियर करने वाले हैं। बस बशर्ते दोस्तों वीडियो में आप लोगों को एंड तक ज़रूर देखना है, बहुत ही काम की वीडियो है। और अगर आप इस तरीके से अपने यूनिट में अगर ध्यान रखेंगे तो दोस्तों कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, और ना ही आपकी आवाज़ की क्वालिटी है वो जल्दी ख़राब होगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस यूनिट में एलटी ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है दोस्तों, कभी एक बार चेंज हुआ है इसमें, ये देख सकते हैं। और चलिए इसे हम खोल लेंगे, और खोलने के बाद में इसके जो डायफार्म पहले हमें चेक कर लेना है, ठीक है दोस्तों। अब इसे चेक करने के लिए आप मल्टीमीटर का भी सहारा ले सकते हैं, ये हमारा मल्टीमीटर है, आप इसके द्वारा भी आप इसे चेक कर सकते हैं, या फिर एलईडी टेस्टर है आप उससे भी चेक कर सकते हैं, या फिर ये बैटरी से भी टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका यूनिट सही है, डायफार्म सही है, तो यहाँ से आपको खरखराहट की आवाज़ आएगी, देख सकते हैं यहाँ से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है। तो चलिए हम डायफार्म को चेंज कर देंगे, ये डायफार्म हमारा ख़राब हो चुका है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत सारे भाइयों का मन में डाउट होता है कि दोस्तों जब हम नया यूनिट लगाते हैं तो उसमें तो आवाज़ हमें ठीक मिलती है, लेकिन जब हम दो चार से अधिक यूनिट लगा लेते हैं और लंबा वायर में कनेक्शन करते हैं तो उस समय होता क्या है कि दो यूनिट सही, सामने वाली सही बज रही है, दूर वाली आवाज़ कम हो गई है, या फिर डायफार्म बार बार कट जा रही है। तो सारी गलतियां हम यहां पे आपको बताने वाले हैं। तो देख सकते हैं डायफार्म बिल्कुल ये ख़राब हो चुका है। चलिए इसे हम निकाल करके दूसरा डायफार्म हम यहाँ पर सेट करेंगे, अभी ये बिल्कुल फंस चुका है, और आराम से निकालना है, ज़बरदस्ती भी करेंगे तो हाथ में लग सकती है क्योंकि इसमें काफ़ी धार यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पर इसे मैंने जो फंसा हुआ था इसे मैंने निकाल लिया है, ठीक है। तो अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं, सबसे मेन खेल दोस्तों यहीं से हमारा शुरू होता है, ठीक है। सबसे मेन खेल क्या शुरू होता है मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, L2, और यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा L1, ठीक है। ये दोस्तों आपको साफ साफ नज़र आ रही है, L1 है और ये हमारा L2 है। लेकिन दोस्तों आप डायफार्म में आप देखेंगे यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी दोस्तों, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर L2 है। मैं थोड़ी सी फोकस कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे L2 है और यहाँ पे दोस्तों L1 है, L1 के जगह पे L2 हो गई है, और यहाँ पे L2 के जगह पे L1 है। तो दोस्तों सारा खेल हमारा इसी जगह से शुरू होता है। तो अब हमें करना क्या है कि सबसे पहला मैं आपको डायफार्म यहाँ से हटा लेता हूँ। तो काफ़ी ये टाइट हो गई है, और चलिए इसे मैंने हटा लिया है। तो जब भी आप दोस्तों नया डायफार्म लगाएंगे, तो ये मेरे पास अहुजा कंपनी की ओरिजिनल डायफार्म है, तो जब भी आप नई डायफार्म लगाएंगे तो नया डायफार्म लगाने के बाद दोस्तों अगर आपके मन में यहीं से आप लोग गलती कर लेते हैं, और मन में अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा हमसे, मैं आपको ज़रूर बता दूँगा। और दोस्तों अगर ये चीज़ अगर आपको पता है तब भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर मुझे ये चीज़ पता है पहले से, ठीक है। तो सबसे पहला ये हमारा मैग्नेट है, और मैग्नेट जब भी डायफार्म आप लगाएंगे तो सबसे पहला यहाँ पे आपको साफ़ कर लेना है, चाहे कोई भी चीज़ हो, जैसे भी आप तोस लगे आप इसे साफ़ कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से इसे साफ़ कर लेते हैं, जो डायफार्म वाली पेपर है
पैकिंग थी, उसी से हम यहाँ पर साफ़ कर लेना है। मुझे देख सकते हैं कितनी डस्ट वगैरह यहाँ पर निकल रही है। और एक चीज़ और है कि अगर दोस्तों आप यहाँ पे थिनर लगा करके अगर कॉटन कपड़ा से आप साफ़ करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो फ़िलहाल मैं इसे साफ़ कर लेता हूँ। तो ये मेरा साफ़ हो चुका है, ठीक है। अब दोस्तों आपको करना क्या है कि सीधी सी बात है कि अब यहाँ पे आपको L1 प्लस है या L2 प्लस है। तो दोस्तों जिस तरीके से आप स्पीकर आप अपना टेस्ट करते हैं, स्पीकर जब आप लगाते हैं तो उसमें होता क्या है कि आप प्लस और माइनस चेक करते हैं, तो सेम तरीका इसमें भी आपको अपनाना होगा। अगर दोस्तों आप स्पीकर जैसा आप इसमें कनेक्शन नहीं करेंगे तो आपकी समस्या बनी रहेगी। तो आपको मैं बताता हूँ कि प्लस माइनस आपको कैसे टेस्ट करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने केवल ये जो डायफ्राम आप देख रहे हैं केवल मैं मैग्नेट के ऊपर यहाँ पर रख दिया हूँ, ठीक है। इसे रखने के बाद अब जो है सो मैं यहाँ पर अपने बैटरी से इसमें करंट दे रहा हूँ, ठीक है। एक ही बार देना है आपको, ऐसा नहीं कि आपको सटा के रखना है सो। तो चलिए मैं यहाँ से दे रहा हूँ और आपको यहाँ से दबा देना है, ठीक है। तो देखते हैं, ये देखिए दोस्तों अभी क्या इसमें निष्कर्ष निकलता है वो आप भी ध्यान से देख लीजिएगा। ये देखिए अभी मैं रेड को इधर लगा रहा हूँ, ब्लैक को इधर लगा रहा हूँ, तो देखिए अगर डायफ्राम में क्या होता है। ये देखिए तो दोस्तों रेड को मैंने इधर लगाया, ब्लैक को इधर लगाया, तो डायफ्राम मेरा उछल करके और किनारे हो चुका है, यानी कि डायफ्राम हमारी ऊपर की ओर आ रही है। अब दोस्तों हम करेंगे क्या कि इसे हम उलट देंगे, ठीक है। अभी भी मेरा डायफ्राम आप देख सकते हैं सेम उसी तरीके से मैंने लगा के रखा हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं इसे इधर कर दिया हूँ और ये इधर कर दिया हूँ। तो मैं एक चीज़ मैं आपको और कन्फर्म यहाँ पर कर देना चाहता हूँ कि सबसे पहला अब देखेंगे यहाँ पे दोस्तों ये हमारा L1 है, ठीक है, ये हमारा L1 है और ये हमारा L2 है। तो L1 के जगह पे हम यहाँ पे L1 लिख देंगे ताकि कहीं पे भी कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, L1 और ये हमारा L2 है। तो यहाँ पे हम L2 लिख देंगे, ठीक है। अब दोस्तों हमारी सारी कन्फ्यूज़न ये दूर हो चुकी है, ठीक है। अब हम यहाँ पर मैग्नेट पर फिर से हमें यहाँ पे सेट कर लेना है, ठीक है। दोस्तों मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है, चलिए सब साइड करके हम हटा लेंगे। और अब यहाँ पे आपको फिर से कनेक्शन देना है, ये देखिए दोस्तों अभी मैंने इसे उल्टा लगाया हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, ये देखिए, तो जैसे ही मैंने इसे लगाया हुआ रेड को L2 में और L1 में माइनस मैंने डाला हुआ है, तो दोस्तों डायफ्राम जो हमारी अंदर की ओर जा रही है, लेकिन जैसे ही हम L1 में हम प्लस लगाएंगे और L2 में हम माइनस लगाएंगे तो देखिएगा यहाँ पे डायफ्राम उछल करके बाहर की ओर आ रही है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोग इसी में गलती करते हैं, सीधा ध्यान देते नहीं हैं, और होता क्या है कि आप उल्टा कनेक्शन कर लेते हैं। अब दोस्तों नया सेट आप ख़रीदते हैं यूनिट को तो वहाँ पे तो कंपनी बिल्कुल सही तरीके से सेट करके आपको देती है, और सही तरीके से सेट करने के बाद में आप यहाँ पे लगाएंगे तो उसमें लॉन्ग थ्रो भी मिलेगा, आवाज़ की क्वालिटी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। लेकिन दोस्तों जब आप उसे 4 या 5 या 8 या 10 हॉर्न में अगर आप उसे जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद में पैरेलल कनेक्शन में आप जोड़ते हैं, तो उसमें होता क्या है कि दोस्तों कुछ यूनिट जो है आपका उल्टा लगा दिए हैं, प्लस के जगह पे माइनस, माइनस के जगह पे प्लस लगा दिए हैं, और कुछ यूनिट आपकी सीधा लगी हुई है। तो होगा क्या कि दोस्तों करंट जो है आपका माइनस प्लस अनबैलेंस होना शुरू कर देगी, और उसी कंडीशन में आपकी जो डायफ्राम है दोस्तों, अगर ये डायफ्राम बाहर की ओर खिलेगी नहीं केवल अंदर की ओर खींची रहेगी, तो ये जल्दी जलने की संभावना है। एक यूनिट दोस्तों आपका बाहर की ओर खिल रही है, एक अंदर की ओर जा रही है, तो आपका जो आवाज़ की क्वालिटी है, आवाज़ की क्वालिटी में भी फ़र्क पड़ेगा, और डायफ्राम की जो लाइफ है दोस्तों ये भी आपको जल्दी ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। तो यही आपका इसमें मेन रीज़न है। तो आपको जो है सो केवल एक ही चीज़ ध्यान रखना है, L2 जो होती है सो हमारी माइनस की होती है, और L1 जो होती है हमारी प्लस की होती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे बैटरी में भी यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, ठीक है। और जो बैटरी में प्लस लिखा हुआ है तो यहाँ पर मैंने रेड वायर सोल्डिंग करके निकाला हुआ है, और इस जगह पे माइनस है तो माइनस में मैंने ब्लैक निकाला हुआ है, तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ, तो L2 में मैंने माइनस लगाया और L1 में प्लस, ये देखिए दोस्तों,
ये देखिए बाहर की ओर ये निकल जा रही है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इसमें अंदर की ओर सॉरी उल्टा करके अगर लगाता हूँ तो देखिएगा क्या होता है। मैं ये देखिए ये कुछ भी नहीं हो रहा है, केवल अंदर की ओर जा रही है। तो जिस तरीके से आप स्पीकर सेट करते हैं सेम आपको उसी तरीके से सेट करना है। तो चलिए मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। तो L2 जो है दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, तो L2 को गलती ना हो इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे भी कंपनी L मार्क दे रखी है जो कि आप गलती ना करो। तो L2 के जगह पे डायफार्म में भी L2 लिखा हुआ है तो इसे भी आपको L2 में ही लगाना है, ठीक है। और L1 हमारा L1 में ही चला गया। अब आपको इसे फिट कर देनी है। देखिए दोस्तों अब आपको अब क्या करना है कि दोस्तों अब यहाँ पर भी हमारी L2 पर दिखाई पड़ रही है, यहाँ पे हमारी L1 लिखाई पड़ रही है। अब यहाँ पे आपको कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, केवल आपको यही ध्यान रखना है कि आपका जो L1 है ये प्लस है या फिर L2 प्लस है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि L1 जो होता है वो प्लस होता है और L2 जो है ये हमारा माइनस है। तो जब भी आप कनेक्शन करेंगे तो आपको सेम उसी तरीके से कनेक्शन करना है। चलिए मैं आपको एक सेट करके और दिखाता हूँ इसकी जो अगर आप इसे चेक करेंगे तो कैसे करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के बारे में आप लोगों की क्या राय है ये कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और क्योंकि दोस्तों आपको एक लाइक से ही मुझे मोटिवेट मिलती है और आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं। और अगर आपने इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, अगर दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं दोस्तों, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। तो चलिए इसे मैं केवल आपको दिखाने के लिए केवल दो ही स्क्रू अभी हम इसमें सेट करते हैं। तो ये मैंने सेट कर लिया है और सेट करने के बाद में L1 में आप देख सकते हैं यहाँ पर L1 में हम रेड कलर की वायर इसमें हमें बांध देना है। इसमें दोस्तों क्लिप वगैरह कुछ भी नहीं है। चलिए मैं यहाँ पर ऐसी भी बांध लेता हूँ। और इसे बांधने के बाद फिर मैं आपको एक बार चेक करके भी दिखाऊंगा। तो जब भी आप इसे कनेक्शन करेंगे केवल इतना ही आपको याद रखना है कि दोस्तों जब भी आप डायफार्म चेंज करेंगे तो प्लस और माइनस एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। अगर दोस्तों सभी यूनिट की अगर डायफार्म अगर आप एक तरीके से लगाएंगे तो कभी भी आवाज़ की जो क्वालिटी है दोस्तों कभी भी ख़राब आपको नहीं मिलेगी। और कहीं पर भी अगर प्रोग्राम करेंगे तो फिर वहाँ पर आपकी वाहवाही मिलेगी और अच्छी बजेगी भी। तो चलिए मैंने यहाँ पे टेस्ट कर लिया है, सेट कर लिया है। सेट करने के बाद मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। और ये हमने मेरा वायर है तो सुन ध्यान देना है थोड़ा सा, इसमें हल्की सी आवाज़ आएगी कट की, सुन सकते हैं आप। उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों एक कैपेसिटर लगा होता है जो कि 4.7 250 वोल्ट की, वो हमारी चार्ज हो जाती है, जिसके चलते इसे फिर से आपस में शॉर्ट करने पर एक बार और आवाज़ आती है, ये देख सकते हैं। तो ये है दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।